दोस्तों, भारत ने अपने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 को सोमवार को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस पूरे प्रोजेक्ट की राशि 978 करोड़ रुपीस है। आज हम इसी से जुड़े कुछ सवाल और जवाब बताएंगे। सवाल नंबर 1, अब तक चांद पर कितने लोग गए हैं? सही जवाब, अब तक चांद पर कुल 12 लोग गए हैं। सवाल नंबर 2, चांद और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है? सही जवाब, चंद्र से पृथ्वी की दूरी करीब 384,403 किलोमीटर यानी कि करीब 238,857 माइल्स है। सवाल नंबर 3, चंद्रयान 1 से चंद्रयान 2 कैसे अलग है? सही जवाब, चंद्रयान 1 में भारत ने हार्ड लैंडिंग या क्रैश लैंडिंग कराई थी, जबकि चंद्रयान 2 में सॉफ्ट लैंडिंग होगी। दुनिया में अब तक रूस, अमेरिका और चीन ही सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए हैं। चंद्रयान 2 सफल रहने के बाद भारत सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश होगा। सवाल नंबर 4, चंद्रयान 2 चांद के किस हिस्से पर उतरेगा? सही जवाब, चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड करेगा, जहां आज तक किसी ने लैंडिंग नहीं की है। सवाल नंबर 5, नील आर्मस्ट्रांग के साथ चांद के मिशन पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति का क्या नाम था? सही जवाब, दूसरे व्यक्ति का नाम बस ऑल्ड्रिन था। सवाल नंबर 6, चंद्रयान 2 के तीनों हिस्से का नाम क्या है? सही जवाब, तीनों हिस्से का नाम लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर है। सवाल नंबर 7, चंद्रयान 2 चांद पर जाकर क्या करेगा? सही जवाब, चांद पर लैंडिंग के बाद रोवर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 15 से 20 दिनों तक चांद की सतह पर डेटा जमा करेगा और ऑर्बिटर तक पहुंचाएगा। ऑर्बिटर उस डेटा को इसरो को भेजेगा। सवाल नंबर 8, क्या पृथ्वी के भूकंप की तरह चांद पर भी भूकंप होता है? सही जवाब, हाँ, पृथ्वी पर जैसे भूकंप आता है, उसी तरह चंद्रमा की सतह पर भी कंपन होता है। उसका कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव होता है। पृथ्वी पर भूकंप कुछ मिनट तक रहता है, जबकि चांद पर कंपन आधे से एक घंटे तक का होता है। सवाल नंबर 9, चंद्रयान 2 में रोवर क्या काम करेगा? सही जवाब, इसका वजन 27 किलो का होगा और लंबाई 1 मीटर। इसमें 2 पैलोड होंगे। यह सोलर एनर्जी से चलेगा और 6 पहियों की मदद से चांद की सतह पर घूम घूम कर मिट्टी और चट्टानों के नमूने जमा करेगा। सवाल नंबर 10, चंद्रयान 2 से भारत को क्या फायदा मिलेगा? सही जवाब, चंद्रयान 2 से हम चांद पर पानी की खोज और मनुष्य के रहने की संभावनाओं की जांच करेंगे। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर सकेगा, जिसकी मदद से हमें अन्य देशों के उपग्रहों के अंतरिक्ष में भेजने के करार हासिल हो पाएंगे।